वीडियो में व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट एमेनोरिया, हमने प्राइमरी एमेनोरिया कवर किया, जिसका मतलब है अ गर्ल चाइल्ड जिसे कभी भी मेंसेस आए ही नहीं. नाउ विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट सेकेंडरी एमेनोरिया, अबाउट अ गर्ल चाइल्ड जिन्हें शुरू में तो मेंसेस आए पर अब किसी कारण से मेंसेस आ ही नहीं रहे. व्हाट आर द कॉमन कंडीशंस व्हिच कैन लीड टू दिस? कॉमनेस्ट कंडीशन इज पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. We all know that PCOS is very common. Nearly 8 to 10% girls have got polycystic ovary. Those with a healthy lifestyle generally will menstruate properly. Maybe a little late or so, but they would menstruate. Those girls who have more of a eating high calorie diet or maybe junks and have a weight gain and they are not working on their weight will suffer from amenorrhea. This is one of the commonest reasons. Apart from this, are the reasons like those girls who have got significant thyroid derangement, hypothyroidism, इसकी वजह से भी एमेनोरिया होता है. हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से FSH हार्मोन बॉडी में बराबर काम ही नहीं कर पाते, टाइमली एक्फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता और मेंसेस नहीं आते. थर्ड इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज एक्सेसिव प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन. प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. यदि पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी किस्म की स्वेलिंग हो जाए या किसी किस्म की गांठ बन जाए जिसमें से एक्सेसिव प्रोलैक्टिन सेक्रेट होने लगता है, जैसे प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं. एक्सेसिव मात्रा में प्रोलैक्टिन सेक्रेट होने पर भी FSH हार्मोन्स अपना काम बाकायदा नहीं कर पाते, बॉडी में एक्फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए टाइमली मेंसेस नहीं आ पाते. सो कॉमनली एज अ केस ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया वी फाइंड पेशेंट गर्ल्स ऑफ PCOS, गर्ल्स विथ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड गर्ल्स विथ एक्सेसिव प्रोलैक्टिन हार्मोन जो सेकेंडरी एमेनोरिया से सफ़र करते हैं. और हम जानते हैं कि ये सभी कंडीशंस विथ राइट मेडिकेशंस करेक्टेबल हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्यूर, जिसे हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी कहते हैं. कई गर्ल्स टू बिगिन विथ इन देयर साइकिल्स ऑलवेज हैड रेगुलर मेंसेस, बट सडनली बाय द एज ऑफ से late 30s और early 40s दे स्टॉप मेंस्ट्रुएटिंग. So if women stops menstruating before the age of 40, इसे premature menopause या premature ovarian failure कहते हैं. इन women में शुरुआती years of life में menses absolutely ठीक और regular थे, but क्योंकि इनके body का ovarian reserve, I mean to say the egg count, significantly कम था, overall egg count was lesser, इसलिए वो eggs जल्द ही खर्च हो गए and that's why they attend menopause little early. And this happens in 1% of women. 1% of women में premature ovarian failure या premature menopause पाया जाता है. So here we enumerated the common conditions related to secondary amenorrhea. If you have any doubts, do post me in the comment section. I'll be very happy to reply you. See you all in the next video. Till then, take care and bye bye.